हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रम मिरर का बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन। ये जो मैंने पिंक कलर और क्रीम कलर के मैक्रम से बनाया है, तो आज हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैक्रम मिरर का ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बंडल क्रीम कलर का मैक्रम, एक बंडल पिंक कलर का मैक्रम, 96 पीस ग्रीन कलर के बीट्स एंड 62 पीस पिंक कलर के बीट्स, एक 10 इंच का हार्ट शेप रिंग, एक 10 इंच का मिरर, 3.5 इंच का एक रिंग और 3.5 इंच का एक रिंग मैंने यहाँ पे लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस रिंग में ये थ्री पीसेस, इस साइड पिंक कलर का मैक्रम जो कि मैंने 5 मीटर इक्वल साइज में कट किया है, फिर 4 पीसेस क्रीम कलर का और फिर 3 पीसेस पिंक कलर का मैक्रम, मीन्स 6 पीस मुझे मैंने यहाँ पे पिंक कलर का मैक्रम लिया है और 4 पीस क्रीम कलर का मैक्रम जो कि 5-5 मीटर में कट किया हुआ है। अब हम ये बीच वाले क्रीम को दो इधर करेंगे और बीच बीच वाले एक कॉर्ड में एक पिंक कलर का बीट्स डालेंगे। अब हम ये जो मैंने दो कॉर्ड में बीट डाला है, इसमें से एक कॉर्ड उठा के इसमें सारे इधर वाले कॉर्ड को इसमें पाइपिंग कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से दूसरा कॉर्ड उठाएंगे और इसी तरह सारे कॉर्ड को इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे। देखिए, मैंने यहाँ दूसरे कॉर्ड को भी पाइपिंग कर दिया है। अब हम यहाँ से तीसरा कॉर्ड उठाएंगे और इसको पाइपिंग कर देंगे ऐसे। देखिए, मैंने चौथी लाइन पाइपिंग कर ली है, ये मैंने पांचवा लाइन पाइपिंग कर लिया है। अब हम 6 वाला लाइन पाइपिंग करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ सारे कॉर्ड को पाइपिंग कर लिया है। अब हमें इसी तरह यहाँ पे भी इसी तरह का डिज़ाइन बना लेंगे। मैंने दोनों तरफ इस तरफ भी ऐसा डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम ये वाला मैक्रम, ये वाला एक कॉर्ड उठाकर और ये एक कॉर्ड उठाकर दोनों को एक गांठ लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से गांठ लगा लेंगे। देखिए, फिर हम यहाँ से एक कॉर्ड को उठाएंगे और ये वाला कॉर्ड को इसके ऊपर से नीचे से इस तरह से पाइपिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने एक कॉर्ड को पाइपिंग कर लिया। अब ये दोनों कॉर्ड को पकड़ेंगे, दोनों कॉर्ड को एक साथ लेंगे और ये वाला कॉर्ड को दोनों कॉर्ड के ऊपर इस तरह से पाइपिंग कर लेंगे। देखिए, अब हम ये तीनों कॉर्ड को लेंगे और ये वाला कॉर्ड को इस तीनों कॉर्ड के ऊपर पाइपिंग कर लेंगे। देखिए, मैंने तीनों कॉर्ड को पाइपिंग किया। अब ये 4th नंबर वाला कॉर्ड को इस तीनों कॉर्ड के ऊपर पाइपिंग कर देंगे। अब हम ये चारों कॉर्ड को लेंगे और ये 5th वाले कॉर्ड को इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे।
अभी हम पांचों कॉर्ड को लेंगे और ये सिक्स वाले कॉर्ड को इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे। अब हमारे पास सिक्स मैक्रम प्रिंट किया गया है। अब ये सिक्स कॉर्ड को एक साथ लेंगे और ये फर्स्ट वाला क्रीम कलर का मैक्रम इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे। अब हम ये क्रीम वाला भी मैक्रम को भी एक के साथ ले लेंगे और इस कॉर्ड को इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे। अब मेरा ये दो क्रीम वाला कॉर्ड इस पे आ गया। अब हम ये तीसरे वाले को फिर इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे। अब ये तीसरा वाला कॉर्ड को भी हम एक साथ पकड़ लेंगे और लास्ट वाले कॉर्ड को इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे। अब हम यहाँ से ये क्रीम वाला मैक्रम को इधर से बाहर की ओर पाइपिंग कर लेंगे। इस तरह से टाइट करते हुए पाइपिंग कर लेंगे। फिर हम एक क्रीम वाला मैक्रम उठाएंगे और बाहर की ओर से पाइपिंग कर लेंगे। देखिए मेरा ये दो क्रीम इधर आ गया और मैं तीसरा क्रीम वाला मैक्रम कोट को लेंगे और इस तरह से पाइपिंग कर लेंगे। अब हम ये फोर्थ मैक्रम क्रीम मैक्रम कोट लेंगे और फिर इसी तरह से बाहर की ओर पाइपिंग कर लेंगे। देखिए मेरा फोर्थ हो गया। अब इधर से पिंक वाला एक एक कॉर्ड उठाएंगे और बाहर की ओर ऐसे ही पाइपिंग करते जाएंगे। अब हम ये चारों कॉर्ड को लेंगे और ये फिफ्थ वाले कॉर्ड को इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे। अभी हम पांचों कॉर्ड को लेंगे और ये सिक्स वाले कॉर्ड को इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे। अब हमारे पास सिक्स मैक्रम प्रिंट किया गया। अब ये सिक्स कॉर्ड को एक साथ लेंगे और ये फर्स्ट वाला क्रीम कलर का मैक्रम इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे। अब हम ये क्रीम वाला भी मैक्रम को भी एक के साथ ले लेंगे और इस कॉर्ड को इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे। अब मेरा ये दो क्रीम वाला कॉर्ड इस पे आ गया। अब हम ये तीसरे वाले को फिर इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे। अब ये तीसरा वाला कॉर्ड को भी हम एक साथ पकड़ लेंगे और लास्ट वाले कॉर्ड को इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे। अब हम यहाँ से ये क्रीम वाला मैक्रम को इधर से बाहर की ओर पाइपिंग कर लेंगे। इस तरह से टाइट करते हुए पाइपिंग कर लेंगे। फिर हम एक क्रीम वाला मैक्रम उठाएंगे और बाहर की ओर से पाइपिंग कर लेंगे। देखिए मेरा ये दो क्रीम इधर आ गया और मैं तीसरा क्रीम वाला मैक्रम कोट को लेंगे और इस तरह से पाइपिंग कर लेंगे। अब हम ये फोर्थ मैक्रम क्रीम मैक्रम कोट लेंगे और फिर इसी तरह से बाहर की ओर पाइपिंग कर लेंगे। देखिए मेरा फोर्थ हो गया। अब इधर से पिंक वाला एक एक कॉर्ड उठाएंगे और बाहर की ओर ऐसे ही पाइपिंग करते जाएंगे। यहाँ से एक कॉर्ड उठाएंगे और इसमें एक
ग्रीन कलर का बीट डालेंगे और ये दूसरा वाला कॉर्ड इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। देखिए हम इसी तरह से एक और कॉर्ड लेंगे और सारे कॉर्ड को इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। देखिए इस वाले कॉर्ड में फिर हम एक बीट्स डालेंगे। और फिर एक बार पाइपिंग करेंगे इसको। फिर हम यहाँ से कॉर्ड उठाते हैं और सारे कॉर्ड को पाइपिंग कर देंगे। जैसा हमारा इस तरह से ये डिजाइन बना है उसी तरह हम इधर भी ऐसा ही डिजाइन बना लेंगे। देखिए मैंने दूसरे तरफ भी ऐसा ही डिजाइन बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम ये वाला जो कॉर्ड, ये जो कॉर्ड गया है, इस कॉर्ड को उठाएंगे और उसमें एक मोती डालेंगे। और ये जो फर्स्ट वाला पाइपिंग हुआ है यहाँ से, इसमें हम सीजर की हेल्प से इसके अंदर इसको कॉर्ड को इंसर्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से
और इस कॉर्ड को हम ये जो सारे इस ये वाले कॉर्ड पे ये सारे कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह इस कॉर्ड को उठा के फर्स्ट वाले कॉर्ड को उठा के इसके अंदर इंसर्ट करके एक लाइन पूरा पाइपिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरफ ये पाइपिंग कर लिया है। अब हम ऊपर का एक कॉर्ड ऐसे लेंगे इसके ऊपर, फिर कॉर्ड एक पहले कॉर्ड को पाइपिंग कर देंगे। फिर हम यहाँ से ये दोनों कॉर्ड ले लेंगे और दोनों कॉर्ड के ऊपर ये तीसरा कॉर्ड पाइपिंग कर देंगे। उसके बाद हम ये तीनों कॉर्ड लेंगे और इस चौथे कॉर्ड को इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे। देखिए हम दूसरे तरफ भी उसी तरह से यहाँ से फर्स्ट वाला मैक्रम को उठाएंगे और इसके ऊपर फर्स्ट वाला दूसरा सेकंड नंबर वाला मैक्रम पाइपिंग कर देंगे। उसी तरह ये दोनों मैक्रम को ले लेंगे और तीसरे वाले को इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे। इसी तरह हम ये अब ये तीन मैक्रम को ले लेंगे और ये फोर्थ वाला इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे। इसी तरह हम ये कंटिन्यू यहाँ तक करेंगे। देखिए मैंने इसी तरह यहाँ पे सारे कॉर्ड को पाइपिंग कर लिया है। अब यहाँ में से एक इधर से टू कॉर्ड और इधर से टू कॉर्ड लेंगे और इसके बीच वाले दो कॉर्ड में एक मोती ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने एक मोती अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगा देते हैं। इस तरह से अब हम ये दो कॉर्ड और इधर से लेंगे और ये दो कॉर्ड, फिर दोनों के बीच में ये दो कॉर्ड और लेंगे और इसमें एक मोती ऐड करेंगे। अब इधर से एक कॉर्ड और इधर से एक कॉर्ड सिंपल नॉट लगा देंगे। इस साइड भी दो कॉर्ड इधर से लेंगे और फिर ये दोनों बीच वाले कॉर्ड को यहाँ पे एक मोती अटैच कर देंगे। देखिए हम एक और सिंपल नॉट लगा लेते हैं इसमें भी। अब यहाँ से जो बीच वाला जो सेंटर दो कॉर्ड है इसमें भी हम एक मोती अटैच करेंगे। फिर इधर से दोनों कॉर्ड को एक एक कॉर्ड को उठाएंगे और सिंपल नॉट लगा लेंगे। इस तरह से अब इधर का जो क्रीम कलर का कॉर्ड है ये इस कॉर्ड को हम कट कर लेंगे। इस कॉर्ड को हम अंदर की ओर इस तरह से पेस्ट कर लेंगे सारे कॉर्ड को। देखिए मैंने सारे कॉर्ड को लाइटर की हेल्प से पेस्ट कर लिया है। अब हमारा जो साइड साइड के दो कॉर्ड हैं इसमें से फर्स्ट कॉर्ड लेंगे और इस कॉर्ड के ऊपर ये सारे कॉर्ड को, अब इधर से जो हमारा दो दो कॉर्ड बच गया है उस फर्स्ट वाला कॉर्ड लेंगे और उसके ऊपर सारे कॉर्ड को पाइपिंग कर देंगे वन बाय वन करके।
अभी हम दूसरा वाला भी कॉर्ड उठाएंगे और इसी तरह से सारे कॉर्ड को इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे। उसी तरह हम इधर भी इसी तरह दोनों कॉर्ड को पाइपिंग कर देंगे। देखिए मैंने दूसरी तरफ भी ये दोनों कॉर्ड को पाइपिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक सिंपल नॉट लगा लेंगे। इस तरह से और हम यहाँ पे रिंग को अटैच करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे रिंग को अटैच करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे रिंग अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ से कॉर्ड उठाएंगे और ये तीनों कॉर्ड को इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे। अब हमें ये जो फर्स्ट वाला कॉर्ड है उसमें एक मोती अटैच करेंगे। फिर ये कॉर्ड को तिरछे में लेके सबके ऊपर ये पाइपिंग कर देंगे। ये वाला जो कॉर्ड है इसको हम इसके ऊपर ये रिंग के ऊपर से नीचे से एक बार ऐसे घुमा लेंगे, उसके बाद पाइपिंग करेंगे। फिर इसी कॉर्ड को पकड़ के हमें फिर ये तिरछे में इसके ऊपर ऐसे पाइपिंग करना है।
पूरा डिजाइन ये पूरे रिंग पे यहाँ से और फिर इस साइड भी यहाँ तक ऐसा ही डिजाइन बनाएंगे। देखिए मैंने ये दोनों तरफ डिजाइन को बना के तैयार कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 13 बीट्स लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 13 बीट्स इधर भी है, दोनों तरफ 13 का डिजाइन बना कर तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने 4 मीटर का 2 कॉर्ड लिया है और एक 2 मीटर का कॉर्ड लिया है। तो हम ये जो वाला जो गैप है ये 2 मैग्रम के बीच में सबसे पहले 4 मीटर वाला कॉर्ड डालेंगे। उसके बाद ये 2 मीटर वाला कॉर्ड डालेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे तीनों कॉर्ड को अटैच कर लिया, पहले 4 मीटर का, फिर 2 मीटर का और फिर 4 मीटर का। अब ये बीच वाले कॉर्ड में हम एक मोती अटैच करेंगे। अब ये वाला ऊपर के 2 कॉर्ड में से हम नीचे वाले कॉर्ड को ऐसे पकड़ेंगे और एक बार हमें ये ऊपर से पाइपिंग करना है और एक बार हमें नीचे से। इस तरह से फिर हम इसे नीचे से पाइपिंग कर देंगे। ऐसा हमें 4 टाइम करना है, 4 टाइम ऊपर से और 4 टाइम नीचे से। देखिए इस तरह से फिर हम ये नीचे का 2 मैक्रम को उठाएंगे और फिर हम इसको लेके ये वाला पाइपिंग करेंगे, एक ही नीचे से और एक ऊपर से। देखिए मैंने यहाँ पे भी ये 4 टाइम इसको पाइपिंग कर दिया है। अब हम इसको बीच में रखते हुए, ये 4 को बीच में रखते हुए ये सिंपल नॉट लगा देना है। इसको थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे। फिर हमें ये ऐसे ही प्रोसेस करना है जैसे मैंने यहाँ पे किया था।
देखिए अब हम मैंने यहाँ पे दोनों तरह से इक्वल डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिया है। ये आप काउंट कर सकते हैं, ये 13 फ्लावर बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 13 इस साइड और 13 इस साइड। अब मैं यहाँ पे एक 2 मीटर का कॉर्ड ले रही हूँ, इसको इस साइड में यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे इसको कवर करना है एक एक अंदर की ओर से और एक बाहर की ओर से। कि मैंने दोनों तरफ ये क्रीम कलर के कोट से दोनों तरफ पाइपिंग कर लिया है। अब हम इस स्टेज पे इसको ऐसे टर्न करके यहाँ पे मैंने जो मिरर लिया है, अब यहाँ पे मैं ये मिरर इसको अटैच कर दूंगी इस तरह से, इस तरह से, और इसको फिर सीधा की ओर कर लेंगे। और बाकी का जो मैंने यहाँ पे जो कॉट छोड़ा था, ये वाला कॉट, उसी से हम इस मिरर को अटैच करेंगे यहाँ पे इस तरह से। इसी तरह हमें करना है, एक ऊपर से लेना है और एक फिर नीचे से, एक हम ये अंदर से लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम इस कोट को ज़्यादा खींचना नहीं है, इस कोट को हम ज़्यादा खींचेंगे नहीं। फिर हम दूसरे वाले कोट में भी ऐसा ही अटैच कर लेंगे एक ऊपर की ओर से। फिर एक अंदर से। देखिए मैंने यहाँ पे ये चारों कॉर्ड को इस तरह से यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब हम इसे यहाँ से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम एक और एक देखिए मैंने एक 2 मीटर का एक कॉर्ड लिया है। अब हम इसे बीट में इंसर्ट करते हुए इधर से ऐसे और ऐसे करके हमें इस मिरर को कवर कर देना है। अब हम ये इधर डालेंगे। इसको हम ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हाथों से ही इसको रैप करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से कोट से कवर कर दिया है और ये आप देख सकते हैं ये लूज है, ये हमें टाइट नहीं करना है। अगर हम इसे टाइट करेंगे तो ये ग्लास मिरर टूट सकता है। अब हम ये जो बचा हुआ ये थोड़ा सा पार्ट है, इसको भी ये क्रीम कलर के कोट से इसी तरह से पाइपिंग कर देंगे, एक ऊपर से और एक अंदर की ओर से। देखिए मैंने यहाँ पे ये दोनों तरफ पाइपिंग कर लिया है। अब ये जो हमारा ये डिजाइन चल रहा था, ये वाला डिजाइन हम यहाँ तक करेंगे, इस वाइट क्रीम वाले कोट तक।
ये वाला डिजाइन पिंक वाला को, जैसे ये पाइपिंग कर रहे थे वैसे ही। इस पर हम लास्ट वाले में जैसे हम मोती अटैच कर रहे थे वैसे ही मोती इसमें अटैच करना है, और हमें ये डिजाइन पूरे एक और यहाँ से यहाँ तक बनाने हैं। देखिए मैंने यहाँ तक डिजाइन को पूरा कर लिया है। अब ये बीच वाले पोर्शन में मैं 2.5 मीटर का दो कॉर्ड अटैच कर रही हूँ, 2.5 मीटर का। देखिए मैंने यहाँ दो कॉर्ड अटैच किया है। अब इसको सेंटर करके ये दो कॉर्ड में हम एक मोती डालेंगे। देखिए अब इसे हाफ हाफ करके, इसे मैंने हाफ कर दिया। अब इस कॉर्ड पे ये सारे कॉर्ड को पाइपिंग कर देना है, जैसे मैंने फ्रंट में स्टार्टिंग में जो डिजाइन बनाया था इस कोट को, इसके ऊपर सारे कोट को पाइपिंग कर देना है। फिर इस तरह दूसरे तरफ भी इस वाले कोट पे ये सारे कोट को पाइपिंग कर देना है। देखिए मैंने दोनों तरफ एक एक लाइन पाइपिंग कर दिया। अब हम यहाँ से एक कोट उठाएंगे और इसके ऊपर सारे कोट को पाइपिंग कर देंगे। देखिए अब हम यहाँ से दूसरा वाला कोट उठाएंगे और सारे कोट को पाइपिंग करते हुए ये सारा हम फिनिश कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने पाइपिंग करके वन साइड ऐसा ही डिजाइन बना लिया। अब हमें दूसरी साइड भी एक 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 यहाँ से उठाना है और सारे कोट को पाइपिंग करते हुए जाना है। देखिए मैंने दोनों तरफ ये डिजाइन बना लिया। अब हम ये दोनों कोट को उठा के एक गार्ड लगा देंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ से एक कॉर्ड उठाएंगे और उसके ऊपर इस कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे। अब ये दोनों कॉर्ड के ऊपर ये तीसरे कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे, जैसे मैंने ऊपर डिजाइन बनाया था वैसे ही यहाँ पे भी डिजाइन बना लेना है। ये दोनों कॉर्ड के ऊपर हमने पाइपिंग किया। अब ये तीनों कॉर्ड के ऊपर
हम ये चौथे कॉर्ड को पाइपिंग कर देंगे जैसे हमने ऊपर बनाया था, सेम टू सेम वैसे ही। अब ये चारों कॉर्ड के ऊपर ये पांच वाले कॉर्ड को पाइपिंग कर देना है। इस तरह से पाइपिंग करेंगे और इस कॉर्ड को यहीं पे छोड़ देंगे। फिर दूसरा कॉर्ड उठाएंगे और पाइपिंग करेंगे। उसी तरह से पाइपिंग करते हुए एक कॉर्ड को छोड़ेंगे। इस तरह से छोड़ते हुए हम ये पूरा एक, जब तक एक कॉर्ड ना बचे तब तक पाइपिंग करेंगे। देखिए इस तरह से अब हम ये दूसरी तरफ भी बना लेंगे। देखिए मैंने ऐसे बना लिया है। अब हम बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन बनाएंगे जैसे हमने ऊपर बनाया था। इसमें एक मोती डालकर इसमें से इसको इंसर्ट करेंगे और बिल्कुल ये वाला डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेंगे यहाँ तक। ये मैंने यहाँ पे तक डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया और एक सिंपल नॉट लगा दिया है। अब हम यहाँ पे ये 3.5 इंच का एक रिंग अटैच करेंगे। इस तरह से हमें यहाँ रिंग को अटैच करना है। कि मैंने ये जो 12 पिंक कलर का कॉर्ड था इसको अटैच कर लिया है। अब हम इस साइड 4 क्रीम कलर का कॉर्ड अटैच करेंगे। तो ये 2 तो हमारा है, तो 2 इस कॉर्ड को अटैच कर लेते हैं और 2 कॉर्ड ऐड करके अटैच करेंगे। इस तरह से हम 2 कॉर्ड इधर अटैच कर लेंगे इस तरह से और 2 कॉर्ड इधर अटैच कर लेंगे। ये दोनों कॉर्ड मैंने 2.5 मीटर का लिया है। देखिए इस तरह से अब हम ये वाला डिजाइन को और ये 3 फ्लावर बना लेने हैं। यहाँ तक कंप्लीट करना है दोनों तरफ। यहाँ तक ये वाला डिजाइन को हम कंटिन्यू कर देंगे यहाँ तक। मैंने इस साइड ये 4 फ्लावर यहाँ पे बने हैं, तो मैंने ये 4 फ्लावर बनाकर तैयार कर लिया है। और यहाँ पे हम एक 2 नॉट लगा देते हैं और इस नॉट को हम, ये दोनों कॉर्ड को हम कट कर देंगे। देखिए मैंने दोनों कॉर्ड को कट कर दिया है। पीछे की ओर इसको पेस्ट कर देते हैं। देखिए मैंने पीछे की ओर पेस्ट कर दिया है। अब इस चारों को हम यहाँ पे पाइपिंग कर देंगे। इसमें हम इस तरह से 4 कॉर्ड को पाइपिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से मैंने पाइपिंग कर दिया है। अब यहाँ पे हमें 6 पीसेस, 2.5 मीटर के 6 पीसेस पिंक कलर के कॉर्ड यहाँ पे ऐड करने हैं। 6 पीस 2.5 मीटर का। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 6 पिंक कलर के कॉर्ड अटैच कर लिए हैं और यहाँ पे भी अटैच कर लिया। और जो फ्रंट वाला, जो यहाँ का जो पार्ट था, उसमें मैंने डार्क पिंक कलर का कॉर्ड 6 पीस 2.5 मीटर का अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरह से कॉर्ड को लेना है और सिंपल एक लाइन नॉट लगा देना है। सिंपल नॉट पूरे पे एक लाइन यहाँ सिंपल नॉट लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टो
टू नॉट लगाना है, उसके बाद वन नॉट लगाना है। इस तरह से हमें इस तरह से नॉट लगा लेना है। अब हम यहाँ से एक क्रीम कलर का कॉर्ड उठाएंगे और वन साइडेड वाले पिंक कलर के सारे कॉर्ड को इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। टू लाइन इधर से और टू लाइन उधर से हमें पाइपिंग करके डिजाइन तैयार कर लेना है। देखिए हम इधर से फिर एक कॉर्ड को उठाएंगे, क्रीम कलर के कॉर्ड को, और सारे पिंक कलर के कॉर्ड को उसके ऊपर पाइपिंग कर लेंगे। पाइपिंग करने के बाद हम एक सिंपल नॉट लगा के एक मोती उसमें अटैच कर देंगे। मैंने यहाँ पे इस तरह से यहाँ तक बना लिया है। अब हम यहाँ पे भी इस तरह से बना लेना है सिंपल नॉट, एक फिर दो फिर तीन फिर दो फिर एक, और इसी तरह से हमें फिर इसको पाइपिंग कर लेना है। दो लाइन इधर से टू लाइन इधर से, ऐसे ही डिजाइन हमें पूरे में यहाँ तक बना लेने हैं। देखिए मैंने यहाँ पे यहाँ तक बना लिया है, ये मैंने 6 इंच तक ये डिजाइन बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ से एक कॉर्ड को उठाएंगे और उसको दोनों तरफ से करते हुए टाइट करते हुए पाइपिंग करके इसको बंद कर देंगे। अब हम 3 इंच का कॉर्ड छोड़ के बाकी सारे कॉर्ड को कट कर देंगे और फिर नीचे में हम बैल अटैच कर देंगे। मैं यहाँ पे येलो कलर का बैल ले रही हूँ अटैच करने के लिए। लाइटर की हेल्प से सारे बैल को इसमें अटैच कर देंगे। अब हम 1 मीटर का एक और कॉर्ड लेंगे और उसके ऊपर इस रिंग को एक अंदर की ओर से एक कॉर्ड को ऊपर से ले जाएंगे और उसी तरह करते हुए हम इस रिंग को कवर कर देंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।